हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड देखिए, आज मैं थोड़ा ठीक हूँ और मेरा लुक तो आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरे फेस में दाने दाने हैं। और आज इसकी पूजा करनी है, माँ जी मेरी पूजा करेगी और माता रानी को विदाई करेगी। फ्रेंड तो स्नान और पूजा करने के बाद फ्रेंड मैं आज स्कूल भी जाऊंगी। तो देखिए, हाँ तो फ्रेंड मैं स्कूल से आ गई हूँ और यहाँ देखिए मेरी माँ जी खाना खा रही है और ये देखिए दीदी और इधर देखिए गुकुट बाबू। और हम लोग अभी अभी स्कूल से आए, सब अपने अपने काम कर रहे हैं और माँ जी यहाँ देखिए, देख लीजिए ये मेरी माँ जी का खाना है और मैं आके अभी बैठी ही हूँ। और यहाँ ये देखिए मैं पानी पी रही हूँ, पानी पीने के बाद चाय बनाना है, चाय पी लेती हूँ। तब सिर में दर्द हो रहा था, स्कूल तो जाने का मन नहीं था लेकिन स्कूल है तो जाना तो पड़ेगा ही। कितना दिन छुट्टी रखेंगे, बच्चे का लाइफ का सवाल है। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों से, अभी घरों में तो काम चल ही रहे हैं, वहाँ देखिए और अभी काम चल ही रहे हैं इस घर में। देखिए क्या क्या अभी कुछ कुछ रेसिपी में क्या बनेगा वो मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाऊंगी। और चलिए मेरे साथ पहले चाय पी लीजिए, उसके बाद बातें साते गप्पे सप्पे होते रहेगी। तो चलिए चाय पीने, चाय मैं बनाती हूँ, आप लोग भी पी कर जाइए। ये देखिए गायों की चारा बाबू जी एक बोझा लेकर आ गए हैं और ये हमारी गायों की चारा है। और फ्रेंड मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा, मेरे जो बूढ़ी गाय थे बाबू जी उसको बेच दिए और उसके बिना उदास उदास लग रहा है। वो रहती थी तो उसके जैसा शायद ही गाय हो, सही में खीर मिली देखिए दही मिली हमारा उजाड़ दिया। बोलिए बोलिए क्या क्या बचिया आई ना, तो खीर बखीर मिली था उजाड़ दी, जैसे खाना ना खाई। यहाँ मेरी ननद बोल रही कि गाय रहता ना अभी, वो मेरा बूढ़ी वाली गाय रहती तो खीर मिलता, बखीर मिलता, मतलब दही मिलता, दूध मिलता है। लेकिन गाय को बेच देने का वजह से फ्रेंड बहुत दूध का दिक्कत हो गया, खरीद कर हम लोग कितना खाएंगे। ऐसे रहता था तो कुछ कुछ बना लेते थे, छेना ना बना देते दूध से। वो गाय हमारी चली गई है तो बहुत दिक्कत हो रहा है। आप लोग कभी बचपन में गोटी खेले? यहाँ देखिए मेरी ननद गोटी खेल रही है और ये बारिश को मांग रही है कि आज हमारे यहाँ ऐसे गोटियाँ खेला जाता है बरसात का सीजन में ताकि बरसात हो। लेकिन यहाँ मेरी ननद तो अभी ही गोटियाँ खेल रही है, बारिश होगा तो किसानों सबका तो दिवाला खड़ा हो जाएगा। जो खेत में किसान सब गेहूँ छोड़ के आए हैं, अनाज छोड़ के आए हैं फ्रेंड, वो किसान सब भाग करके गिर जाएंगे। इसलिए मैंने अपने ननद को मना कर दी, गोटी मत खेलिए दीदी आप। और यहाँ मेरे बाबू जी को देखिए, वो मेरे बाबू जी को देखिए अभी अभी खेत से आए हैं और हाथ पांव धो रहे हैं, खाना खाएंगे और माँ जी गाय को चारा डालने के लिए ले जा रही है। हाँ तो फ्रेंड अब देखिए घरों की मरम्मत करने के लिए पता नहीं किस किस मशीन का जुगाड़ किया जाता है। और आज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ मेरे घर में, ये देखिए ये जो मशीन है ये इसका है। और ये ईंट पत्थर काटने वाला मशीन है फ्रेंड। और हमारे घर के आंगन में जो कंडी निकला हुआ है उसे इससे कटवाना है ताकि ये हाथ से तोड़ने में बहुत समय लगेगा और लेकिन ये मशीन जब लग जाएंगे फ्रेंड तो क्षण मात्र में ही कंडी को काट काट के गिरा देंगे। तो घर बनाना है तो इतना तो जुगाड़ करना पड़ता है। तो हमने इसके लिए, ये हमारे खुद के नहीं हैं लेकिन
आजू बाजू से हमने हेल्प ली है और ये मशीन हमने मांगी है। तो कल कंघी हमारे इसी मशीन से कटाएंगे फ्रेंड, और इसका नाम ग्लैमर मशीन। तो फ्रेंड अब मैं चलती हूँ, आप लोग बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा, मैं फिर आप लोग के साथ अगले वीडियो में आऊँगी। तो अब मैं चल रही हूँ, थैंक यू, टेक केयर, बाय।